स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से भी सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले से ही बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया वरन उनके उत्तर भी दे दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए न कहे। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया। पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से निकालकर कागज के उस टुकड़े को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह संस्कृत का बड़ा वाक्य जो का त्यों वहाँ लिखा हुआ है। एक घंटा पहले ही उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और यह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी उनकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे, उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्य की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार धोखा दे दिया हो, कुछ दिन पश्चात फिर दूसरे साथियों को लेकर मैं उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप में मंगा दिया करते थे। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो आया। भारतवर्ष में साधारणता यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतएव ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार कर लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुँचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास से सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा। पूरी 50 आँखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थीं। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख लिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थीं, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगियां आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए।
थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही हैं। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तौला जाता तो मेरा अंदाज था कि वह तौल में उन ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से दुगनी भारी तो अवश्य ही होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी, परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थीं तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थीं। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि यह सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहां से लाई जा सकती हैं? इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं और आप यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये सच है कि इनमें बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुँचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारणत्व भले ही हो पर वे सब स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे भी ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार के और भौतिक दृश्य हैं। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कार पूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रम पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पे वे पहुँचे हैं वह यह है कि यह सब असाधारण शक्तियाँ मनुष्य मन में विद्यमान है। यह मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वे जहाँ कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उनका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है।